हेलो, कैसे हो आप लोग? एक जैसा नाश्ता खा के आप लोग बोर हो जाते हो। आज मैं आपके लिए एक कच्चे आलू का एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आपने फ्रेंच फ्राइज़ तो खाई होगी, बट फ्रेंच फ्राइज़ से काफ़ी क्रिस्पी एंड टेस्टी और रिंग शेप में होता है। आइए चलते हैं हमारे किचन में। ये मैंने 1 कप सूजी ले लिया है। ये मैंने महीन वाली सूजी ली है। आपके पास अगर मोटी सूजी है तो भी वो भी यूज़ कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि महीन सूजी हो तभी यूज़ करना है, आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और ये सूजी को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका हम लोग अच्छी से फाइन पाउडर बना के रेडी कर लेंगे, जो बिल्कुल अच्छी तरीके से पाउडर बन के रेडी हो जाए हमारा। आइए चलते हैं, इसको पाउडर बना लेते हैं। ये मैंने देखिए बिल्कुल महीन पाउडर इस टाइप में आपको बना के रेडी करना है और ये बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इसको, और इसको अच्छी तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए कितना महीन पाउडर बन के रेडी हुआ है हमारा। इसी टाइप में आपको पाउडर बना के रेडी करना है। ये मैंने 2 कच्चे आलू ले लिए हैं और ये मैंने कट कर लिया है पहले से, पानी में कट करके अच्छी तरीके से साफ़ करके रखा हुआ है। और ये देखिए मैंने वही मिक्सी जार ले लिया है जिसमें मैंने अभी सूजी का पाउडर बनाया है। ये आलू हम इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे सारा आलू, और इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑलरेडी आलू में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और हमें इसे ऐसे ही फाइन पेस्ट बना के रेडी करना है मिक्सी जार में। बिल्कुल इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए पेस्ट बन के रेडी हो गई। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसको कढ़ाई को हमने पहले से गैस पे रख दिया था और कढ़ाई हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखना है। ये लगभग 2 टेबल स्पून मैंने घी का यूज़ किया है, आप बटर या तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने ग्रेट किया हुआ लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है, आप लहसुन पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अच्छी तरीके से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से पका लेंगे। जो लहसुन नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं, बट लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम लोग अच्छी तरीके से पका लेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू भी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। ये लगभग 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1/2 कप मैंने पानी का यूज़ किया है और इसको पानी डाल के हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने 1 चम्मच लगभग नमक ऐड किया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये 1 उबाल तक आने का वेट करेंगे। ये देखिए हमारे पानी में उबाल आ रहा है हमारा। और ये मैंने जो सूजी का पाउडर लिया है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे जिससे हमारी गुठलियाँ ना पड़े, और ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिलाएंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मिक्स करके अच्छी तरीके से हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके जिससे अच्छी तरीके से हमारा ये मैंने सारा डाल दिया है, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम पानी का ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, उतना ही पानी में हम लोग इसे अच्छी तरीके से बनाएंगे। और ये जो मैंने आलू लिया था पेस्ट बना के वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बॉयल आलू भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने कच्चा आलू का यूज़ किया है। कच्चे आलू डालने से थोड़ा क्रिस्पी बन के रेडी होता है नाश्ता। कोई भी चीज़ आप कच्चे आलू का बनाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से बन के क्रिस्पी बन के रेडी होता है और बहुत आसानी से ये पक भी जाता है, इसीलिए मैंने कच्चे आलू का यूज़ किया है। आप बॉयल आलू भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए बिल्कुल फाइन डो बना के हम लोग रेडी कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है जिससे हमारी ये डो में चिपके ना, तले पे चिपके ना और कढ़ाई छोड़ने में दिक्कत ना करे, और ये अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लें। और ये देखिए अच्छी फाइन डो बन के हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए अच्छी तरीके से पक रहा है, कच्चे आलू की वजह से अच्छी तरीके से पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ये देखिए कढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरीके से छोड़ चुका है और इसमें लगभग हमें ये देखिए बिल्कुल हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी हो चुका है, फाइन डो बन के रेडी हो गया। हम इसे 5 मिनट लगभग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें 1 टेबल स्पून लगभग मैंने धनिया का ऐड किया 1 चम्मच और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। कॉर्नफ्लावर से बाइंडिंग का भी काम आएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। इसे अच्छे तरीके से हम लोग गूंद लेंगे। और ये देखिए इसमें हो नहीं पा रहा है और मैं इसको किचन सरफेस पे ले लेंगे। और किचन सरफेस आपका बिल्कुल क्लीन और हाइजीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसे अच्छी तरीके से हम लोग आटे के जैसे लगा लेंगे। देखिए आपको लग नहीं रहा होगा कि आपने ये बिल्कुल आलू के और सूजी के साथ बनाया है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा ये डो बन के रेडी हुआ है। ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट और इसे अच्छी तरीके से बन के रेडी हुआ है। इसे हम लोग बिल्कुल इसी टाइप में और थोड़ा सा सूखा आटा यूज़ किया है मैंने अच्छी तरीके से डाल देंगे जिससे सूखा आटा हमारा चिपके ना ये,
और ये बेलन से हम लोग इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि गोल बेलना है, आप कैसे भी बेल सकते हो, बट ये पतला होना चाहिए, इस टाइप में ही बेलना है हमें, जिससे हमारा ये डो बिल्कुल पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मोटे से आपका ये फूलेगा नहीं और बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसलिए हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है। आप कैसे भी बेल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि गोल बेलें। और ये देखिए हमारा बिल्कुल बेल दिया है मैंने अच्छे तरीके से, ये देखिए। और ये मैंने एक कटोरी ले ली है, ये देखिए इस कटोरी, और ये मैंने एक ढक्कन, ये बॉटल का एक ढक्कन लिया है, इससे हम लोग कट करेंगे। ये पहले मैं कटोरी से गोल गोल का कट लगा लेंगे, ये देखिए इस टाइप में आपको कट लगाना है, हल्के हल्के हाथों से कट लगाना है। और ये बिल्कुल शार्प होना चाहिए, मतलब तेज होना चाहिए, जिससे हमारा ये कट के रेडी हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गोल। और ये जो मैंने ढक्कन लिया है, इसको भी हम लोग बीच में थोड़ा सा रिंग शेप में देना है, तो हम लोग इसे इस टाइप में छोटा छोटा सा कट कर लेंगे इसमें, और बहुत ही अच्छा रिंग शेप बन के हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है रिंग शेप, और ऐसे ही बन के रेडी हो जाएगा सारा, हमने इस टाइप में रिंग शेप में हमने बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आइए इसको हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए पहले से मैंने गैस पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और अच्छी तरीके से हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है। और रिंग को एक एक करके छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाए उतना ही छोड़ेंगे। मैंने चार ही ऐड किया है, ज़्यादा ऐड इसमें नहीं किया है। और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसको टूटने का डर होता है, इसीलिए हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। ये देखिए, और गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा पक चुका है, और बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत ही टेस्टी लगता है, और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। अभी तो बारिश का मौसम है, आप ये बनाइएगा ज़रूर, आप फ्रेंच फ्राइज़ को भूल जाओगे जब ये एक बार खाओगे तो। ये देखिए हमारा अच्छे तरीके से पक रहा है, ये देखिए गोल हो चुका है हमारा, रेड हो चुका है एक तरफ और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल भी गए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं, और ये हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी इतना ही टेस्टी लगता है, और अंदर से सॉफ्ट होता है, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी होता है। आइए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है कलर, और खाने में बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। ये देखिए एक भी, ये सारा एक एक करके, और जो बाकी बचे हुए हैं उसको भी हम लोग फ्राई कर लेते हैं एक एक करके। और ये देखिए तेल बिल्कुल हमारा गर्म है, और एक एक करके हम लोग इसको छोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग इसको भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई भी हो चुके हैं, और इसे हम लोग ऊपर ऊपर से थोड़ा सा दबाते रहेंगे, और तेल हमारा गर्म है ना, तो बिल्कुल टूटने का डर नहीं रहेगा। ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए एक बार बनाओगे, बार बार खाने का मन करेगा आपका, ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए ये भी हो चुका है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं आइए, और इसकी कर लेते हैं हम लोग प्लेटिंग। और ये देखिए सारा हम लोग इसे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैंने ये टमाटो केचप के साथ लिया है, मेयोनी के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए कितना अच्छे से, ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, कितने अच्छे तरीके से कुरकुरी है, ये देखिए आसानी से टूट रहा है, और बहुत ही कुरकुरा बन के रेडी हुआ है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और ये देखिए, और ये सॉस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ओके बाय।